छोटे से नंद जी के लाल आज मेरे घर आए, छोटे से नंद जी के लाल आज मेरे घर आए, घर आए घर आए आज मेरे घर आए, छोटे से नंद जी के लाल आज मेरे घर आए, दर्शन से हो गई निहाल आज मेरे घर आए, छोटे से नंद जी के लाल आज मेरे घर आए, सर पे मुकुट कांधे काली कंवरिया, सर पे मुकुट कांधे काली कंवरिया, मीठी मीठी बांसुरी बजावे सवरिया, बजावे सवरिया, काले से घुंघराले बाल आज मेरे घर आए, छोटे से नंद जी के लाल आज मेरे घर आए, घर आए घर आए आज मेरे घर आए, दर्शन से हो गई निहाल आज मेरे घर आए, छोटे से नंद जी के लाल आज मेरे घर आए, नन्ना गोपाल मेरे मन को लुभाए, नन्ना गोपाल मेरे मन को लुभाए, मेरे मन को लुभाए, यमुना किनारे खड़ा गैया चराए, वो तो गैया चराए, संग में है ग्वाल और बाल आज मेरे घर आए, उसके संग में है ग्वाल और बाल आज मेरे घर आए, छोटे से नंद जी के लाल आज मेरे घर आए, घर आए घर आए आज मेरे घर आए, दर्शन से हो गई निहाल आज मेरे घर आए, छोटे से नंद जी के लाल आज मेरे घर आए, सब सखियों का जीवन की भैया, सब सखियों का जीवन की भैया, वो तो जीवन की भैया, ब्रजवासियों का बंसी बजैया, बंसी बजैया, वो तो बंसी बजैया, सबसे निराली है चाल आज मेरे घर आए, उसकी सबसे निराली है चाल आज मेरे घर आए, छोटे से नंद जी के लाल आज मेरे घर आए, घर आए घर आए आज मेरे घर आए, दर्शन से हो गई निहाल आज मेरे घर आए, छोटे से नंद जी के लाल आज मेरे घर आए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचार के भार से दबने लगी, तब पृथ्वी गाय माता का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता विदाता ब्रह्मा जी के पास गई। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को पृथ्वी की दुखांत कथा सुनाई। वहां पर उपस्थित सभी देवताओं ने निर्णय किया कि इस संकट के समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास जाएंगे और सभी लोग पृथ्वी देवी को साथ लेकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। वहां जाकर सभी देवतागण भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। स्तुति करने से भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई। तब भगवान ने सबके आने का कारण पूछा। तब दीनहीन वाणी में पृथ्वी देवी बोली कि हे प्रभु, संपूर्ण भूमंडल पाप और अत्याचार से घिर गया है। पृथ्वी इन पाप और अत्याचार के भार से दबने लगी है, इसीलिए कृपा करके आप इस संकट का निवारण करें। ये बात सुनकर भगवान बोले कि मैं ब्रजमंडल में वासुदेव गोप की भारिया कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा, इसीलिए तुम ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और देवता और पृथ्वी देवी ब्रजभूमि में आकर यादव कुल के नंद यशोदा और गोपियों के रूप में पैदा हुए। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत हो गए। कुछ दिनों बाद वसुदेव नवविवाहिता देवकी और अपने साले कंस के साथ गोकुल में जा रहे थे। तभी अचानक भविष्यवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर अपने साथ ले जा रहा है, उसी के गर्भ से आठवां पुत्र होगा
जो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनते ही कंस ने तलवार उठा ली और देवकी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। तब वसुदेव ने कहा, हे कंस, यह तो बेकसूर है, इसे मारना उचित नहीं। इसीलिए जब भी देवकी के गर्भ से पुत्र का जन्म होगा तो जन्म लेते ही मैं आपको अपनी सब संतान दे दूंगा। आप उनका कुछ भी करना, तब आपको कौन मार सकेगा। कंस ने उनकी बात मान ली और वसुदेव और देवकी को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दिया। जब भी देवकी के पुत्र होता तब कंस उस पुत्र को मार देता। देवकी के 7 पुत्र मारे जाने के बाद 8वें गर्भ की बात कंस को जब मालूम हुई तो इस बात का पता चलते ही कंस ने देवकी और वसुदेव को एक विशेष कारागार में डलवा दिया और वहां पर कड़ा पहरा लगवा दिया। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भयावनी रात की थी। उसी समय शंख गदा पद्मधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की लीला देखकर वसुदेव और देवकी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना बाल रूप लिया तब देवकी और वसुदेव के हाथों की हथकड़ियां टूट गई। दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदारों को नींद आ गई। तब वसुदेव कृष्ण जी को अपने साथ लेकर वहां से निकल गए। जब वसुदेव जी ने यमुना को पार करने के लिए अंदर प्रवेश किया तब यमुना का स्तर बढ़ने लगा। भगवान के चरण कमल छूने को लालायित यमुना कृष्ण द्वारा पैर लटका दिए जाने पर भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर उतर गई और बिल्कुल घट गई। वसुदेव पैदल ही यमुना पार कर गए और गोकुल धाम पहुंच गए। वहां जाकर खुले दरवाजे और सोई हुई यशोदा मैया को देखकर बालक कृष्ण को उन्होंने वही सुला दिया और मैया यशोदा के पास सोई कन्या को लेकर वापस चले आए। जब वसुदेव वापस कारागार में पहुंचे तो उन्हें अपने आप ही बेड़ियां लग गई, दरवाजे बंद हो गए। दरवाजे बंद होने के बाद सोए हुए पहरेदार जग गए। हटकड़ियां लगने के बाद वह कन्या जोर जोर से रोने लगी। तब पहरेदारों ने कन्या के रोने की आवाज सुनकर कंस के पास खबर भेज दी कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। यह सुनते ही कंस दौड़ता हुआ आया और उस कंस ने कन्या को हाथ में लेकर जैसे ही पत्थर पर पटकना चाहा तो वह कन्या हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और साक्षात देवी के रूप में प्रकट हो गई और कहने लगी, हे कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में पहले ही पैदा हो चुका है, अब तुम्हारा वही वध करेगा। तब भगवान ने बड़े होकर अकासुर और तारकासुर और कंस जैसे क्रूर राक्षसों का वध करके पृथ्वी देवी और अपने भक्त जनों की रक्षा की। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। एक पौराणिक कथा के अनुसार महादेव शिव शंभु को श्री श्याम सुंदर के बाल रूप के दर्शन करने की अभिलाषा हुई। तब उन्होंने एक योगी का भेष बनाया और मैया यशोदा के द्वार पर गोकुल में नंद भवन के बाहर पहुंचकर आवाज लगाई। योगी वेशधारी शिव शंभु ने कहा, अलख निरंजन कहाँ हो प्रभु। भगवान शिव गाना गाने लगे, एक योगी आयोरी तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का। मैया यशोदा उस समय श्री श्याम सुंदर को नहला धुलाकर उनका श्रृंगार कर रही थी। बाहर खड़े योगी की आवाज उन्हें सुनाई नहीं पड़ी। योगी वेशधारी भोले बाबा ने फिर से आवाज लगाई लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। तभी वहां से एक ब्रज की वृद्धा गोपी गुजर रही थी। तब उसने योगी को प्रतीक्षा करते देखा तो उनके पास गई और कहने लगी, बाबा किसे बुला रहे हो। भगवान शिव शंकर बोले, गृह स्वामिनी को बुला रहा हूं माई। गोपी ने पूछा, भिक्षा चाहिए। तब शिव शंकर बोले, हाँ माई। गोपी बोली, लेकिन यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिखता, आप मेरे घर चलो, वहां मैं आपको भिक्षा दे दूंगी। तब भोलेनाथ बोले, माई तुम मुझे भिक्षा दोगी। तब गोपी कहने लगी, हाँ अन्न वस्त्र धन जो मांगोगी वो दे दूंगी। भोलेनाथ बोले, नहीं माई, मेरा एक नियम है, मैं एक ही द्वार पर जाकर अलख जगाता हूँ, यदि उस द्वार से कुछ मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो किसी और द्वार पर नहीं जाता। तब गोपी कहने लगी, तो महाराज फिर तो आप भूखे ही रह जाओगे। भोले बाबा बोले, जैसी प्रभु की इच्छा। गोपी कहने लगी, नहीं नहीं बाबा,
हमारे गांव से कोई साधु भूखा जाए, यह तो सारे गोकुल के लिए लज्जा की बात है। तुम यही ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि यशोदा रानी कहाँ है। यह कहकर गोपी नंद भवन के अंदर गई तो देखती क्या है, मैया यशोदा तो श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही थी, लोरी गा गा कर उन्हें सुला रही थी। इधर बाहर खड़े योगी भेषधारी भगवान शंकर मन ही मन कहने लगे कि प्रभु दर्शन किए बगैर तो मैं नहीं जाऊंगा। गोपी अंदर जाकर मैया यशोदा से कहती है, यशोदा रानी कहाँ हो? तब मैया यशोदा कहती है, आओ काकी क्या बात है? गोपी कहने लगी, यशोदा रानी तुम्हारे द्वार पर एक योगी कब से भिक्षा के लिए खड़ा है, तुमने उसकी आवाज नहीं सुनी? मैया यशोदा बोली, नहीं तो, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। तब गोपी कहने लगी, अरे जल्दी से उसे भिक्षा दे दो, कोई बड़ा महात्मा लगता है। मैया यशोदा बोली, ठीक है काकी। गोपी कहने लगी कि ऐसा योगी तो मैंने कभी नहीं देखा, उसके मुख पर तो आंख ही नहीं टिकती। तब मैया यशोदा कहने लगी, ऐसा क्या है उस योगी में? गोपी बोली, अरे इतना तेज है उसकी ललाट पर जैसे सूर्य का तेज होता है, और देखो कितना कड़ा नियम है उसका, जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हो जाता है बस वहीं से भिक्षा लेता है, और भिक्षा ना मिलने पर भूखा ही लौट जाता है। तब मैया यशोदा पूछती है, काकी आटा चावल दाल गुड़ घी ये सब कुछ ले लिया, दो चार दिन के लिए काफी होगा, अब चलो भिक्षा दे देते हैं। गोपी बोली, अरे दक्षिणा भी तो ले ले, बड़ी दिव्य मूर्ति है, उसे प्रसन्न करेगी तो आशीर्वाद पाएगी। तब मैया यशोदा कहने लगी, अरे काकी दक्षिणा तो मैं भूल ही गई, अभी लेकर आती हूँ। मैया यशोदा संदूक से धन और एक मोती की मालदा निकालते हुए कहती है, काकी अगर इतनी ही बड़ी दिव्य आत्मा है तो ये बहुमूल्य मोती की माला दे देती हूँ। इधर भगवान शिव शंभू बाहर खड़े खड़े मन ही मन श्याम सुंदर से बातें कर रहे थे, प्रभु दर्शन देने में इतना संकोच क्यों कर रहे हो? तब श्याम सुंदर ने कहा कि धन्य भाग जो आप स्वयं अपने सेवक के घर पधारे हैं, सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। शिव शंभू बोले, कौन सेवक और कौन प्रभु, इसके निर्णय का समय नहीं है, आप तो हमें अपना परम भक्त जानकर अपने बाल रूप के दर्शन करा दीजिए। श्याम सुंदर कहने लगे कि बाल रूप तो इस समय मैया यशोदा के पास गिरवी रखा है, उन्हीं से मांगना पड़ेगा, आप उन्हीं से मांग लीजिए, मैया आ रही है। तब मैया यशोदा श्याम सुंदर को बाल्ले में सुलाकर और दक्षिणा की थाल लेकर गोपी के साथ नंद भवन से बाहर आती हैं। वहां योगी वेश में शिव शंभू प्रतीक्षा कर रहे थे। मैया यशोदा योगी रूप शिव शंभू को प्रणाम करते हुए कहती हैं कि बाबा क्षमा कर दीजिए विलंब के लिए, मैं अपने लल्ला का श्रृंगार कर रही थी। तब योगी वेशधारी शिव शंभू बोले, धन्य हो तुम मैया, जिसे ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मुझे भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन करा दो। तब मैया यशोदा बोली, बाबा मुझे क्षमा कर दो, अभी अभी स्नान कराया है, इस समय मैं बाहर नहीं ला सकती, ठंडी हवा लग जाएगी। तभी योगी बेशधारी शिव शंभू कहते हैं, मैया हवाओं का चलना ना चलना जिसके संकल्प मात्र पर निर्भर है, उसके लिए व्यर्थ की शंका मत करो, उसे एक बार मेरे पास लेकर तो आओ, उनके दर्शनों की लालसा से ही तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। मैया यशोदा बोली, नहीं योगी बाबा, मैं बाहर नहीं ला सकती, यह भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। तब योगी बेशधारी शिव शंभू भिक्षा के थाल की ओर देखकर कहते हैं, मैया ये मोती मानिक धन तो मेरे लिए पत्थर के टुकड़े हैं, मेरे किस काम के, मुझे इनका लोभ नहीं, चाहो तो ऐसे हीरे मोती मानिक मुझसे ले लो, पर मुझे तुम्हारे लल्ला का दर्शन करा दो, वही हमारी भिक्षा है। योगी बेशधारी भगवान शंकर ने अपने कमंडल से हीरे मोती निकालकर मैया यशोदा के भिक्षा की थाल में रख दिए। इसे देखकर तो मैया यशोदा आश्चर्यचकित हो गई और चिंतित होकर गोपी से कहने लगी, काकी ये कोई साधु नहीं, कोई मायावी लगते हैं। गोपी तो चुपचाप खड़ी यशोदा मैया का करुण चेहरा देख रही थी। फिर मैया यशोदा अपनी आंखों में आंसू भर के योगी बेशधारी शिव शंभू से कहती हैं, देखो योगी बाबा, तुम जैसे कई मायावी इससे भी पहले आ चुके हैं, सभी इसी प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं,
तेरा लाल तो बड़ा दिव्य बालक है, उसका दर्शन करा दे, उसे मेरी गोद में दे दे। फिर सबके सब उसका अनिष्ट करने की चेष्टा करते हैं। मेरे लाल ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप लोग उसके शत्रु बने बैठे हैं? फिर बड़े ही कड़े शब्दों में मैया यशोदा ने कहा, भिक्षा चाहिए तो ले लीजिए, अन्यथा अपने स्थान को पधारिए, मैं अपने लल्ला को तो बाहर नहीं लाऊंगी। योगी भेषधारी शिव शंभु बोले, अरे मैया ऐसे कठोर मत बनो, बहुत दूर से आया हूं। लेकिन मैया यशोदा तो फिर बोली, कैलाश पर से आए हो तो वही भगवान शिव के दर्शन कर लेते, यहाँ किस काम से आए हो? योगी भेषधारी शिव शंभु बोले, भोली मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन उनके बाल रूप के दर्शन करना बहुत दुर्लभ है। उसी दर्शन की लालसा से तुम्हारे द्वार पर आया हो, कई युगों के बाद ये दर्शन मिलते हैं। लेकिन मैया यशोदा नहीं मानी, नहीं नहीं योगी बाबा, मुझे क्षमा करो, मैं लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने अपने लल्ला को मत लाना। मैया यशोदा को इस तरह से अपने फैसले पर अड़िग देखकर भगवान श्याम सुंदर ने श्री योग माया को पूर्णमासी बुआ जो स्वयं भगवती योग माया है, भगवान के जन्म से पहले ही गोकुल में आ गई थी, के रूप में उस स्थान पर भेजा जहां पर यह वाद विवाद चल रहा था। पूर्णमासी बुआ बोली, अरे ये कोई अनजान व्यक्ति नहीं है यशोदा रानी, ये अनजान नहीं है, मैं इन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने कहा था ना कि गोकुल में आने से पहले मैं काशी में रहती थी, वहीं मैंने इनके दर्शन किए थे। ये तो सचमुच परम दिव्य शक्ति हैं, शक्ति के पति हैं ये। ऐसा कहकर पूर्णमासी बुआ आंखों में आंसू की धारा लिए भगवान शिव के चरणों में अपना शीश रख देती है और उन्हें प्रणाम करती है और उठकर मैया यशोदा से कहती है, यशोदा इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे, इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला भी बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। मैया यशोदा विस्मित सी मुद्रा में पूर्णमासी बुआ से कहती है, क्या तुम सच कह रही हो, तुम इन्हें जानती हो? पूर्णमासी बुआ कहती है, हाँ रे यशोदा रानी, मैं इन्हें भली भांति जानती हूँ। अरे तेरा तो सौभाग्य है जो तेरे लल्ला का प्रेम इन्हें तेरे द्वार पर ले आया। मैया यशोदा कहती है, लेकिन काकी इनकी वेशभूषा तो देखिए, लंबी लंबी जटा, बदन में भभूत, गले में सर्पों की माला, लल्ला तो इनको देखकर वैसे ही डर जाएगा। ना बाबा ना, मैं तो लल्ला को नहीं लाऊंगी। बिचारी भोली भाली मैया को क्या पता कि उनके द्वार पर सदाशिव भगवान पधारे हैं। मैया यशोदा की ऐसी बातें सुनकर पूर्णमासी बुआ कहने लगी, नहीं यशोदा रानी, इनके तो दर्शन मात्र से समस्त भय का नाश हो जाता है, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। मुझ पर विश्वास कर, मैं तुझसे झूठ नहीं कहती। गोपी को पूर्णमासी बुआ का समर्थन करते हुए कहने लगी, अरे यशोदा रानी, ये पूर्णमासी बुआ तो कभी झूठ नहीं बोलती। तुम्हें याद है ना, जब वो पहले गोकुल में आई थी तब इसी ने तुझे आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें भी लल्ला होगा। उस समय तो तुम सब लोग आशा छोड़ चुके थे। ये तो सदा सच कहती हैं, तो इनकी बात तो मान ले। पूर्णमासी बुआ कहने लगी, जा बेटी लल्ला को ले आ। मैया यशोदा बोली, लल्ला को ले तो आऊंगी, पर इनके हाथों में नहीं दूंगी। पूर्णमासी बुआ बोली, अच्छा ठीक है, लल्ला को लेकर तो आ, दूर से ही आशीर्वाद ले लेना, जा जल्दी जा। फिर मैया यशोदा नंद भवन के अंदर जाती है श्याम सुंदर को लेने के लिए, और अंदर जाकर श्याम सुंदर को अपनी गोद में उठाकर इस तरह से कहती है, अरे लल्ला चल, तेरे दर्शन के लिए कोई आए हैं। मैया यशोदा श्याम सुंदर को बाहर ले आती है, जिन्हें देखकर योगी बेशधारी शिव शंभु प्रेम से गदगद हो जाते हैं। श्याम सुंदर के बाल स्वरूप को टकटकी लगाकर निहारने लगते हैं, जैसे पूर्णिमा की रात को चकोर चांद को टकटकी लगाकर निहारता है। तब मैया यशोदा कहती हैं, लो योगी बाबा, लल्ला को देख भी लो और आशीर्वाद भी दे दो। भगवान शिव शंभु अपने प्रिय श्याम सुंदर के इस बाल रूप को देखकर उन्हें नमस्कार करते हैं और श्याम सुंदर के चेहरे पर भी मधुर मुस्कान आ जाती है। फिर श्याम सुंदर मैया यशोदा से कहते हैं, मैया यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो इनके चरणों में अपना मस्तक रख दो। तब मैया यशोदा कहती हैं कि नहीं नहीं, मैं मेरे लल्ला को किसी को छोड़ने नहीं दूंगी। फिर पूर्णमासी बुआ योगी बेशधारी शिव शंभू से कहती हैं, पहले अपनी चरण रज तो दीजिए।
ऐसा कहकर पूर्णमासी बुआ शिव शंभू की चरण लज देकर श्याम सुंदर की ललाट पर लगा देती है। शिव शंभू की चरण रज श्याम सुंदर की ललाट में पड़ते ही श्याम सुंदर मन ही मन शिव शंभू से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव श्याम सुंदर की बातों को सुनकर कहते हैं कि ये कहाँ का न्याय है स्वामी, हम इतनी दूर से आए हैं आपके बाल स्वरूप का दर्शन करने और आपको आलिंगन भी नहीं कर सके। जिनके श्री चरणों से निकली पवित्र गंगा को हम अपने शीश पर धारण करते हैं, उन श्री चरणों को एक बार तो छू लेने दीजिए प्रभु। फिर भगवान शिव अपने शरीर के एक अदृश्य प्रतिबिंब से श्री श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श करते हैं और उनकी स्तुति पुरुष सूक्त से करते हैं जो भगवान श्री श्याम सुंदर को बहुत प्रिय है। इसके बाद योगी वेशधारी शिव शंभू जो झोम झोम कर नाचने लगते हैं और मैया यशोदा से कहते हैं कि युग युग जिए तेरा लाल, ओ मैया युग युग जिए तेरा लाल, मेरे नयना भय रे निहाल निरख मुख लाल का, प्यासी अखियां हुई रे निहाल निरख मुख लाल का। तब मैया यशोदा कहती है, योगी बाबा अब तो भिक्षा ले लो। तब भगवान शिव कहते हैं कि ये अपने हीरे मोती ये पत्थर ये तू ही रख ले, ये मेरे किस काम के, मैं तो माला माल हो गया तेरे लाल का दर्शन करके, यही मेरी भिक्षा थी। और ऐसा कहकर योगी वेशधारी शिव शंभू वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। ऐसा अनुपम दृश्य देखकर स्वर्ग लोक से सभी देवी देवता प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। जन्माष्टमी के दिन बाल कृष्ण के दर्शन की इस कथा को जो कोई भी सुनता है उसे बाल कृष्ण के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और पुण्य फल भी प्राप्त होता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी जी की आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी जी की आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी जी की आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मदन गोपाल तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारी तुमको रिझाओ, बांके बिहारी जी की आरती गाओ। श्री हरि बाबा के तुम हो प्यारे, श्री हरि बाबा के प्यारे तुम हो, मेरे प्यारे जीवन धन हो, हम सब के प्यारे जीवन धन हो, श्याम सुंदर जी की आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, बांके बिहारी जी की आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, मदन गोपाल तेरी आरती गाओ, हे कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरिधारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी जी की आरती गाओ, श्री बांके बिहारी जी की आरती गाओ। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो।